लेकिन इसके साथ हमने दो बात कही है, किसान की खुशहाली के दो आयाम, कर्ज मुक्ति और फसल के पूरे दाम। तो स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। आज के समय पर आप किसी भी नेता का भाषण उठा के सुन लीजिए, आपको एक ही शब्द नजर आएगा, किसान किसान किसान। किसानों की कर्ज माफी, किसानों के लिए बिजली, किसानों के लिए पानी, किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था, उनके लिए MSP। लेकिन सरकार की ये योजनाएं धरातल तक पहुंचती कितनी है, किसानों को उनका फायदा कितना मिलता है, उससे किसान लाभान्वित कितने होते हैं, ये शायद बात बहुत कम लोग जानते होंगे। किसानों की वर्तमान हालात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। उनके बारे में परिचय दे दूं तो JP आंदोलन के समय से किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बीते कई सालों से किसानों के हक की आवाज उठाते हैं। उन्हें आप किसान नेता ना कहें, आप उन्हें किसानों का मसीहा कह सकते हैं। हाड़ौती किसान यूनियन के महामंत्री दशरथ कुमार जी हमारे साथ हैं। कई सारे किसानों के मुद्दे हैं जिनको लेके हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल कि क्या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा यूरिया आ नहीं रहा, और आ रहा है तो क्या किसानों को सही तरीके से मिल नहीं रहा? हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो दलीय राजनीति से प्रभावित संसदीय लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किसान को केंद्र बनाकर चुनावों में वादे सब लोग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BJP हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो जी। लेकिन किसान को धरातल पर आजादी के बाद से किसी ने उठाने की कोशिश ही नहीं की। इसका कारण सबसे बड़ा है कि किसान को शिक्षा का अभाव और जागरूकता की कमी, इन दोनों कारणों से किसान लोकतंत्र में 70 साल से बड़ा पीड़ित है। अभी बात चल रही है यूरिया की जी। मैं आपसे आग्रह करूं कि हमारे यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस तरह की जानकारी सितंबर अक्टूबर में मालूम पड़ जाती है कि कौन सी इलाके में कौन सी बुआई होने वाली है, और बुआई के आधार पर हम लोग रिक्वायरमेंट करेंगे केंद्र से, उर्वरक मंत्रालय से, कि हमको इतना खाद इस समय इस महीने में चाहिए। तो राजस्थान सरकार में लगभग 12 लाख मीट्रिक टन खाद की अभी आवश्यकता होती है रबी में, लेकिन अभी तक हम 6.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर नहीं पहुंचे, जबकि 1.5 महीने बाद में किसान की पलाई की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर वो मीट्रिक टन कब आएगा यूरिया 4.5 लाख? अभी हमने कहा कि यहाँ पर दिसंबर तक 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, अभी हमारे पास 6 लाख के कुछ आया है, तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे हम लोग? सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी नहीं पहुंची। अब ये कहना चाहते हैं कि हमने किसानों ने अतिरिक्त बुआई की गेहूं की, भाई गेहूं की बुआई करके किसान ने अपराध तो किया नहीं। ये तो सरकारी डिपार्टमेंट को, कृषि विभाग को इस बात के आंकड़े पेश करने चाहिए थे सितंबर में कि ये संभावना बन रही है खाद आ जाता। अब हम बात करते हैं कि लोकल स्तर पर प्राथमिकता से चंबल फर्टिलाइजर, श्रीराम केमिकल हमको खाद दे, हमको खाद क्यों देगा भाई? क्योंकि जब नीतीश का बंटवारा केंद्र कर रहा है तो केंद्र के बंटवारे में जितनी आपकी आवश्यकता होती है तो मिलेगा आपको खाद। अब चुनाव के समय पे खाद इसलिए आ गया कि चुनाव प्रभावित ना हो, और जो ही 6 तारीख निकली आप देखिए 15 दिन में स्थिति है खाद की। किसान पर लाठीचार्ज हो रहा है, किसान पर बल प्रयोग हो रहा है। जो जीतने वाले थे वो कह रहे थे हम किसान के रहनुमा है, हमने उनसे कहा शपथ बाद में लेना चाहिए, विधानसभा में बाद में जाना चाहिए, पहले हमारे हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरा करें। लेकिन वो लोग अपने काम में लग रहे हैं और किसान भी अपने काम में लग रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, सरकार चाहे उनकी हो चाहे उनकी हो, किसान दोनों को वोट देता है। लेकिन स्थिति क्या बन गई, हाड़ौती में जब रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ी तो एक पार्टी के लिए आंदोलन करेंगे, दूसरी पार्टी सरकार से के लिए खाद पहुंचाओ। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें दोनों लोगों को मिलकर के बात करना चाहिए, BJP या कांग्रेस दोनों मिले, सांसद बाप के नेतृत्व में जाएं दिल्ली बात करने के लिए, और जितना जल्दी हो सकता है वो यहाँ रेक पहुंचाए। अगर यहाँ पर 15,000-20,000 मीट्रिक टन रेक नहीं आई खाद की तो 8 दिन बाद और ज्यादा हंगामा होगा। हाड़ौती में क्या स्थिति है, हाड़ौती के जो किसान है उनको कितनी खाद मिल रही है, और जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं इसके लिए? हमने कहा कि हाड़ौती में 12 लाख हेक्टेयर में फसल की बुआई हुई, तो 12 लाख जो हेक्टेयर में फसल की बुआई हुई तो आज तक हमको 2.5 लाख-3 लाख मीट्रिक टन खाद मिलना चाहिए था दिसंबर तक जी। लेकिन हमें मिला अभी 2 लाख के आसपास, तो इस 1 लाख मीट्रिक टन की पूर्ति कैसे करें?
हम कह रहे हैं कि यहाँ पे विशेष रूप से दोनों दल मिलकर के किसान के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करें कि हमें रेक भेजे, और राजस्थान सरकार भी इस बात को ये प्रतिष्ठा ना बनाए कि हमारे कहने से आए, वो भी क्या किसान को बचाना है और खाद दोजे, लेकिन अगर खाद नहीं आया उत्पादन प्रभावित होगा, और उत्पादन करोड़ों में प्रभावित होगा, करोड़ों रुपए का, लाखों में नहीं होगा, और किसान की स्थिति वैसे ही खराब है। इसलिए हमने कहा कि दोनों दलों को राजनीति पार्टी के दल से अलग हटके किसान के हित में ये बात कहना चाहिए, और मैं तो मान्यता रखता हूँ सांसद महोदय के नेतृत्व में जाएं, क्या फर्क पड़ता है, हमारे MP हैं और MLA सब मिलके जाएं और कहें कि भाई केंद्र सरकार के पास हम आएं और हमें खाद पहुँचाओ, उसमें कौन सी नई बात है। और हम चाहते हैं कि विकास के मामले में राजनीति पार्टी की बात नहीं करना चाहिए, ये मेरा दृष्टिकोण है। और अभी हमारे यहाँ पर जो गेहूं की बुआई ज्यादा हुई है, हम भी मान रहे हैं, तो बुआई ज्यादा करेगा ना किसान अगर पानी है, तो उसके बाद सिंचाई क्षेत्र यहाँ पर पानी की बहुत आयत है, इसलिए लोग कहते हैं कि आपके यहाँ गेहूं की बुआई ज्यादा हुई है इसलिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई। मैं कहता हूँ ये कोई बात नहीं है, तो गलती नहीं है किसान की, नहीं किसान तो पैदावार करेगा ना, देश के लिए कर रहा है, किसान को क्या मिल रहा है इसमें, अगर देश के लिए पैदावार कर भी रहा है तो ज्यादा करे कम करे, सेटल जो हमारी सेटेलाइट है उसके माध्यम से पता लगा ले। और दूसरी बात, मैंने कहा 15 दिन में कमी में कौन से व्यापारी को हमने ब्लैकलिस्टेड किया, प्रशासन क्या कर रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों ने होल्डिंग कर रखी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन इस पर नियंत्रण करे ना कि किसको कितना खाद चाहिए, और ग्राम सेवा तक पहुंचाए क्या जरूरत है, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, होल्डिंग कर रहा है, तो अभी तो एक भी पकड़ में नहीं आया, इसका मतलब दोनों बात पॉलिटिकल रूप से सही नहीं है। हम चाहते हैं व्यापारी भी इसमें सहयोग करे, किसान को ज्यादा ज्यादा खाद बांटे, स्टोर नहीं रखे। तो सरकार कर तो रही है किसानों के लिए काम, कर्जा माफ कर दिया, हमने कहा अशोक जी गहलोत गांधी सोच पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार आए हैं जैसा लोग उनके बारे में बताते हैं, व्यक्तिगत में उनको संतत्व चौथे से जानता हूँ। प्रश्न इस बात का है कि अशोक गहलोत प्रयास कर रहे हैं ना, लेकिन अशोक गहलोत एकदम पूरे प्रशासन को थोड़ी नियंत्रण कर पाएंगे, प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए उनके MLAs उनके सारे कार्यकर्ता इस बात को ध्यान रखे ना कि उनकी बात को नीचे ग्रास रूट उतारेंगे। अभी तक क्या है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसान की डबल आई करेंगे, तो ग्रास रूट पर कौन कर रहा कार्रवाई उसकी, समझ ही नहीं रहे डबल आई कैसे करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप जो कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने तुरंत मालूम पड़ा चीफ सेक्रेटरी को लगाया, अभय कुमार जी को भेजा, और दिल्ली में बात कर रहे रिटर्न कमिश्नर से। तो मैं कहता हूँ सरकार तो प्रयास करते, कोई भी सरकार हो वो थोड़ी चाहती किसान का नुकसान हो, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी हुई देश के अंदर जो किसानों के पक्ष में कभी भी राहत देने में स्थिति में नहीं आ सकती। कर्ज माफी को किस तरीके से देखते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कर्ज माफी की बात, अगर आपने बात ही शुरू हुई बता दूं आपको मैं, कर्ज माफी देश में किसान की समस्या का समाधान कतई नहीं है, लेकिन हमारे में आत्मबल नहीं है ना कहने का, समाज के अंदर किसान सब नाराज हो जाएगा, इसलिए हम भी क्या कह रहे हैं कर्ज माफी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमने दो बात कही है, किसान की खुशहाली के दो आयाम, कर्ज मुक्ति और फसल के पूरे दाम। तो कर्ज मुक्ति नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फसल के दाम तो पूरे मिले, और जब MSP में माल खरीदेंगे तभी बाजार में पैसा आएगा। केंद्र सरकार MSP तय तो कर रही है, लेकिन MSP पे माल खरीद कौन रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि MSP तय करें तो माल परचेजिंग करें तो पैसा आए बाजार में, किसान का हालत सही हो। और कर्ज मुक्ति, कर्ज तो इस देश के अंदर किसान के ऊपर 10 लाख करोड़ के रुपए के आसपास है, क्या भारत सरकार राज्य सरकार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, लेकिन जितना भी कर रही है धन्यवाद की पात्र है, किसी का तो भला हो ही रहा है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना भी कर रहे हैं वो पारदर्शिता के आधार पर सबका कर्ज माफ होना चाहिए। लेकिन सबका कर्ज माफ कर कब रहे हैं, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जब राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं तो कर्ज माफ कैसे होगा? इसलिए हम कहते हैं केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसान को राहत देना चाहिए कर्ज माफी करके, इसके पक्ष में भी हम लोग, लेकिन कर्ज माफी किसान की समस्या का कतई समाधान नहीं है। कर्ज माफी समाधान नहीं है, लेकिन कर्ज माफी से सरकारें बन रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 स्टेट में कांग्रेस ने कर्ज माफी सरकार बना ली। हम ये कह रहे हैं कर्ज माफी से सरकार बनने का सिलसिला तो 2007 में शुरू हुआ ना, तो बेवकूफ तो फिर किसान ही बन रहा है ना वोट दे के, ये किसान नहीं समझ पा रहे अभी। हम ये कह रहे हैं 2007 में कर्ज माफी का सिलसिला शुरू हुआ, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने UPA पार्ट में 70,000 करोड़ रुपए माफ किए, तो लोग कहते हैं कि साहब 9 में सरकार इसीलिए आई, कर्ज माफ हुआ इसीलिए। तो लोगों को एक मालूम पड़ा कि कर्ज माफी का एक झुंझुना हिस्सा है कि किसान इसमें वोट देता है, और 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 लाख पहुंचाएंगे,
एमएसपी थोड़ी करेंगे, तो लोगों ने 4 साल तक इंतजार किया ना उनका। अभी जो चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कर्ज माफी की बात हम भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से कर्ज माफी के नाम पर किसानों ने वोट जरूर दिया है, लेकिन ये अंतिम वोट नहीं है इसके लिए। किसान ये भी समझ रहा है कि कर्ज माफी के अलावा मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, गांव में कुटीर उद्योग भी चाहिए, गांव को पलायन भी रुकना चाहिए, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, गांव को समय पर पानी भी मिलना चाहिए, गांव को समय पर खाद भी मिलना चाहिए। अगर हम ये कि कर्ज माफी एक फैक्टर है चुनाव का, मैं इसको कतई नहीं मानता। चुनाव के फैक्टर में जाति प्रभावित करती है मतदाताओं को, चुनाव के फैक्टर में पार्टी प्रभावित करती है मतदाताओं को, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं, पूंजी भी प्रभावित करती है, धन भी प्रभावित करता है। लेकिन हम ये कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार ये समझती है कि हमें किसान को कर्ज माफी से ही वोट मिलकर सरकार बन गई, बहुत बढ़िया बात है। और तो हम केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि आप भी महीने 2 महीने में कर्ज माफी कर लो और आप भी दिल्ली में जाओ, अगर कर्ज माफी सरकार बनती मालूम पड़ जाएगा ना दोनों को। लेकिन हम कहते हैं कर्ज माफी के नाम पर सरकार नहीं बनी, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को अपने साथ देने की कोशिश की है कि हम आपका कर्ज माफी करेंगे। और कर्ज माफी के परिणाम आप देख रहे, यूपी में स्थिति क्या बनी, पंजाब में स्थिति क्या है, कर्नाटक में क्या है, राजस्थान में भी देख लेंगे कि क्या स्थिति बनी है। लेकिन इसका फैसला एक दिन में थोड़ी होगा, समय लगेगा इस बात जानने के लिए। ठीक है, एक बात है और जिसका केंद्र सरकार ढोल पीट के कह रही है कि उन्होंने एमएसपी 4 गुना कर दी, तो ये क्या है धरातल पे, क्या वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई, किसानों को मिल रहा है 4 गुना कीमत? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी आप दुगनी तिगुनी 4 गुने की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार जो आई है इन्होंने कहा हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री बने जो मोदी जी, इन्होंने सबसे पहले बनारस में बात कही और किसान ने समझा कि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे तो शायद मेरे दिन अच्छे आएंगे। लेकिन प्रश्न जब इसके अंदर जब गए तो मालूम पड़ा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ज्यादातर किसानों के पक्ष में नहीं है, तो 3 साल तक तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब पूरे देश के किसान नेताओं ने पूरे देश के विपक्ष ने हल्ला मचा दिया स्वामीनाथन आयोग, तो प्रधानमंत्री ने 4वें वर्ष ये कहा कि तुम्हारी बात मान लेते हैं तो एमएसपी बढ़ा देते हैं। लेकिन एमएसपी बढ़ाने से होगा क्या? एमएसपी बढ़ाने से काम चलेगा नहीं, उसको खरीद की व्यवस्था की गारंटी देनी पड़ेगी। एमएसपी बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अगर हमने 5,000 रुपये प्रति क्विंटल किसी चीज की तय कर दी और बाजार में बिक रहा 3,000-2,000 रुपये, तो किसानों को क्या लाभ मिला? इसलिए भारत सरकार को एमएसपी बढ़ाने के साथ में खरीद की गारंटी भी देनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि एमएसपी से कम पर यदि कोई माल बिकता है तो सरकार उसको कंपनसेट करेगी और व्यापारी खरीदता तो व्यापारी पर जुर्माना और दंड की भागीदारी बनेगी, तब किसान को लाभ मिलेगा। इसलिए एमएसपी बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा सही हो सकती है। और मैं कहता हूँ कि तो सरकार है कोई सी भी आए, जन कल्याणकारी सरकार तो देश में रही नहीं, अब तो कॉमर्शियल सरकार है, सारी के सारी व्यवसायिक लोग हैं। व्यवसाय आप कितना देते हो कितना लेते हो इस पर डिपेंड करेगा। इसलिए एमएसपी बढ़ाने से कोई मकसद पूरा नहीं है जब तक खरीद की गारंटी का कानून नहीं बने। अच्छा, भरत सिंह जी ने सीएफसीएल के बाहर यूरिया को लेकर प्रदर्शन किया, सरकार भी उन्हीं की है, इसको आप क्या मानते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए? प्रश्न ये कि भरत सिंह जी इस इलाके के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति, साथ में ग्राम पंचायत से सरपंच लेकर के प्रधान लेकर के प्रमुख का चुनाव लड़के एमएलए तक पहुंचे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि गांव से किसान से जुड़ी हुई है। अब सरकार किसकी बनी किसकी नहीं बनी ये तो जरूरी नहीं है, और वो सरकारी पार्टी के हैं वो बात अलग है। अगर 85 एमएलए होते तब भी भरत सिंह जी इस काम को करते। इसलिए मैं मानो तैयार नहीं हूं कि सरकार बनी इसलिए भरत सिंह जी कर रहे हैं। किसानों का दर्द उनके बीच में है, कितना दर्द है ये भरत सिंह जी वहां जब तक बैठे रहे, जब तक खाद नहीं मिले किसान को तो मालूम पड़ जाएगी ना। और अगर शाम को उठ के चले जाएंगे सरकार के आश्वासन पे तो बात तो वही है, फिर तो जैसा सब लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हो गया फिर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भरत सिंह जी बढ़िया काम कर रहे हैं किसान के हित में, लेकिन उनको जब तक सीएफसीएल से बाहर नहीं जाना चाहिए उठ करके, जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र ही नहीं हाड़ोती में और किसान के पास में खाद नहीं पहुंचे तब तो भरत सिंह जी किसानों की बात कर रहे हैं, अन्यथा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उनके क्षेत्र में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वालों को खाद देना भी चाहिए। लेकिन भरत सिंह जी का जो व्यक्ति का सवाल है वो अपने आप में किसानों की बात भी करते हैं और पुरानी पृष्ठभूमि किसानों की भी है। लेकिन ये आंदोलन वांदोलन करने से काम चलने वाला नहीं है, नीति बनाने की आवश्यकता है। और नीति ऐसी बने, इंडस्ट्री ये तय करे कि सबसे पहले मैं दिगोद विधानसभा क्षेत्र को, उसके बाद कोटा जिले को और फिर संभाग के किसानों की खाद की आपूर्ति पूरा करूं, उसके बाद बार भेजूं तो फायदा भी मिले किसान को। एक विधानसभा क्षेत्र क्या मिलना है,
और हमें ये नीति बनानी पड़ेगी कि जहां पर बिजली पैदा होती है बिजली प्राथमिकता में मिले, खाद पैदा हो खाद प्राथमिकता में मिले, पानी का बांध हो पानी मिले, लेकिन हमारा पानी चल जाए बिसलपुर, हमारा पानी चल जाए नादोदी और यहाँ का किसान पानी के बिना तरसे, तो ये नीतियों में अव्यवस्था है। इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिसी मेकर अच्छे लोग जाएं, और अच्छे लोग कब जाएंगे, जब किसान जागरूक बनेंगे। इसलिए हमारे आज़ादी के पहले नेता कहा करते थे छोटू राम जी, ए मेरे भोले किसान, मेरी ले दो बात मान, पहली ले पढ़ना सीख, दूजी ले दुश्मन को पहचान। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां देश में किसानों के हित में नहीं है, ये किसान अभी समझ नहीं पा रहा, इसलिए किसानों को भेजा संसद में विधानसभाओं में। जिस दिन किसान समझ जाएगा कि राजनीतिक दल हमारे हित में नहीं है, उस दिन गांधी का ग्राम स्वराज और गांधी के सपनों का भारत क्या बनेगा। और हम ये कहना चाहते हैं आज नहीं कल से ही, कल नहीं परसों से ही, अभी भी 26% लोग के मत दोनों पार्टियों से डले ना, इसका मतलब देश का किसान समझ रहा है, देश का मतदाता समझ रहा है कि दोनों पार्टियां हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए 26% वोट डाला। एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि राजनीतिक पार्टियों से अतिरिक्त जो चुनाव लड़ेंगे लोग उनको 40 और 45% मतदान भी होगा, उस दिन हम समझेंगे जनता में थोड़ी जागरूकता आई है। आपने आजादी की बात करी, तो अगर मैं ये बात करूं कि पहले हमारे किसानों की स्थिति कैसी थी, अगर 1970, 1960 तब की बात करें और अब की, तो बेहतर हुई है या और बदहाल हो गई स्थिति? हमने कहा कि अब हम 70 की बात नहीं करें, 52 से ही बात कर लेते हैं, 48 से बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उसी दिन दो धाराएं चली, एक ने कहा कि औद्योगिक विकास देश के लिए आवश्यक है और हमने कहा ग्रामीण विकास आवश्यक है। तो ग्रामीण विकास की बात करने वाले गांधी पिछड़ गए, औद्योगिक विकास की बात करने वाले लोग सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बन गया और पार्टी को प्रमुखता मिल गई और लोगों ने पार्टी बनाना शुरू कर दिया। तो देश में लोकतंत्र और गांव तो पार्टी में चला गया, और जब गांव में चला गया तो पहले की जो पीढ़ी थी वो देश की आजादी को समझती थी और वो लोग अच्छे काम समझते थे गांव के बारे में। तो 70, 72, 75 तक आपकी बात से सहमत हूं। उसके बाद स्थिति बनी कि गांव का विकास भी हुआ, गांव का उत्पादन भी बढ़ा, ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ, लेकिन साथ साथ में बैंकों का जो दायरा बढ़ा, उन बैंकों ने किसान को कर्जदार बना दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1965 के बाद, 1972 के बाद किसानों ने आत्महत्या का दौर शुरू हुआ, 47 से 72 तक किसान का आत्महत्या का दौर नहीं था। तो जो जो हमने गांव के विकास की बात करी, किसान के विकास की बात करी, खेती के विकास की बात करी, उसके साथ हमें यह भी बात करना पड़ेगा कि बैंकों का दायरा बढ़ा, किसान पर कर्जा भी बढ़ा, और किसान कर्जे से बढ़ने के बावजूद कंपनसेट नहीं कर पाए, उत्पादन नहीं लागत नहीं मिली, तो किसान को आत्महत्या भी करनी पड़ी। तो दोनों बातें सही है, किसान का विकास भी हो, लेकिन विकास किस मायने में हुआ ये आपको समझने की जरूरत है। सड़क आने को विकास नहीं है, सड़क आना विकास नहीं है, बिजली आना विकास नहीं, विकास के मापदंड एक आधार बन सकते हैं। असली विकास तो ये है कि गांव खाली नहीं होते, गांव की संख्या बढ़ती, गांव स्थायित्व बने पाते, गांव तो स्थायित्व है ही नहीं। हमारे पास 7 लाख ऊपर गांव थे, हमारे गांव खाली हो गए, आज हम 6 लाख 40 हजार करीब गांव है। तो दिन पे दिन गांव खत्म हो रहे हैं ना, जब गांव खत्म हो जाएंगे खेती खत्म हो जाएगी। 14 करोड़ 15 करोड़ करीब एग्रीकल्चर लैंड थी, वो 11 करीब रह गई, तो कृषि की क्षेत्र भी कम हो रहा है, गांव की संख्या कम हो रही है, तो इसको विकास कैसे मान लें? हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद में हमारे यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है, और औद्योगिक विकास समन्वय के आधार पर हुआ होता तो पूंजी की विषमता नहीं बढ़ती, लेकिन औद्योगिक विकास में पूंजी की विषमता बढ़ाई, इसीलिए नक्सलवाद हुआ और इसीलिए देश के अंदर इस तरह का आतंकवाद और नक्सलवाद का जन्म हुआ। इसलिए हम कहते हैं पूंजी की विषमता इस देश में खूनी क्रांति के रास्ते पर उनको ले जाएगी। इसलिए अभी भी समय है कि राजनीतिक पार्टी के लोगों को आर्थिक विषमता को रोकना पड़ेगा, और गांधी भी यही कहते थे कि आर्थिक विषमता इस देश में परिवर्तनकारी ऐसी जगह लोग ले जाएंगे, वापस आना बहुत मुश्किल है। तो नक्सलवाद का जन्म भी आर्थिक विषमता है, आतंकवाद का जन्म भी आर्थिक विषमता है। इसलिए राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि देश में आर्थिक विषमता को रोकने के लिए गरीबी की रेखा तय नहीं हो, अमीरी की रेखा तय करनी पड़ेगी, कि अमीरी की रेखा तय होगी तब आर्थिक विषमता का दूर रुकेगा, वरना शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है गांव को और किसान को एक न एक दिन अल्पमत में ला देगी, ताकि गांव तो देश का जो आज है। मतलब ये निर्धारित किया जाए कि कौन कितना अमीर होगा, ये तो बहुत आवश्यक है, तभी तो सीमा रुकेगी ना। आज तो धन की कोई सीमा ही नहीं है, हम बीपीएल के आंकड़े बताते हैं कि इतने इतने इतने, हम कहते हैं आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा
कि देश के अंदर आर्थिक विषमता को रोकने के लिए अमेरिकी रेखा तय करनी पड़ेगी। अगर अमेरिकी रेखा तय नहीं होगी तो देश में आर्थिक विषमताएं बढ़ेगी और आर्थिक विषमता इस देश में लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है और वो हिंसा पर आधारित आंदोलन खड़ा करेगी जो देश की व्यवस्था के लिए खतरनाक है। इसलिए हम चाहते हैं कि नक्सलवाद रुके, आतंकवाद रुके, सारी सरकारें आर्थिक विषमता को रोकने का काम करे। निश्चित रूप से गांव का विकास हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ, मानने को तैयार है। सुई नहीं बनती थी, आज हम सारी चीजें बना रहे हैं, हम मानने को तैयार हैं। इसलिए किसी भी सरकार को हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, सभी काम करते हैं, करना भी चाहिए, लोकतंत्र यही है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमारे खेती करने के तरीके पुराने हैं, हमारे किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं? हमने कहा ट्रेडिशनल जो खेती है उससे किसान संतुष्ट था, इनपुट कम होता था उसका, और जब इनपुट कम होता था जो उत्पादन होता था उससे अपना काम चला लेता था, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता था और अपना जीवन चला रहा था वो आदमी। लेकिन हमने क्या कहा कि हमको ट्रेडिशनल खेती से अलग हटके व्यवसायिक खेती पर आना है। और जब कॉमर्शियल खेती आई तो आप देख ले जा भी कॉमर्शियल खेती आई स्थिति क्या है, लोगों ने आत्महत्या की ना। तो हम कहते हैं कि कॉमर्शियल खेती देश के लिए अच्छा नहीं है, किसान के लिए अच्छी नहीं है। पैसा मिल सकता है लेकिन पैसे से देश नहीं चलेगा। हम चाहते ट्रेडिशनल खेती होगी, गाय पर आधारित खेती होगी, हमारा खाद भी वही होगा, हमारा पानी भी कुएं से निकलेगा और हम खेती कर। लेकिन वो किसान छोटा हो सकता है। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कहते हैं 10 बीघा 5 बीघा तो हो सकती है खेती छोटी, बड़ी खेती कैसे करेंगे हम लोग। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ग्रुप बना लो, कोऑपरेटिव से ले दो। लेकिन मेरा मान्यता बहुत साफ है कि जब तक हम लोग ट्रेडिशनल खेती पे वापस नहीं आएंगे, जैविक खेती पे नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश संपन्न हो ही नहीं सकता। अभी भी देख लीजिए आप फर्टिलाइजर और सब्सिडी की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्पादन को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं आपके यहाँ पे फर्टिलाइजर ज्यादा है, आपका पेस्टिसाइड ज्यादा है, आपका जो आने वाला जो उपज है हमारे लोगों के हित में नहीं है। क्यों? हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, हमने सब और तमाम सब्सिडी ली, तमाम पेस्टिसाइड का उपयोग किया, कितनी बीमारियां हो रही है। इसलिए मेरी मान्यता है कि जब तक हम लोग परंपरागत खेती पर नहीं आएंगे, हम ट्रेडिशनल की तरफ लौटे। अच्छा, एक सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि सबसे सस्ती जान इस समय पर किसान की है, कोई दिल्ली में घुसने नहीं देता, कहीं भी किसान मुंबई में मार्च करते हैं, कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी परिवार सहित। तो सबसे सस्ती जान किसान की है और किसान के नाम पे ही बड़े बड़े पदों पे लोग आसीन हो रहे हैं। हमने एक बात कही ना, हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जनतंत्र है तो जनतंत्र में बहुसंख्यक समाज कौन सा है, तो हमें मालूम पड़ेगा 75%, 70%, 62%, 65% आज भी गांव है। अगर 65% मतदाताओं की सरकार बनेगी तो दिल्ली भी उनकी होगी, महानगर भी उनका होगा, लेकिन उनकी तो है ही नहीं सरकार में भागीदारी। सरकार में भागीदारी तो महानगर में रहने वाले लोगों की ही है, क्योंकि देश तो वही लोग चला रहे हैं 25% लोग। तो ये बात किसान को समझनी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टी को समझनी पड़ेगी। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उस दिन किसान दिल्ली में भी रोक आएगा, महानगर बंबई में भी आएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं उसको। गोली खानी पड़ रही है अब तो। प्रश्न गोली तो इसलिए खानी पड़ेगी, किसान ये कहना चाहता है अभी तो किसान को राजनीति पार्टी और ट्रेड और जो किसान नेता है वो कहते तुम मांग। हम कहते मांगे क्यों, हम तो देश के मालिक हैं, सत्ता मांग रहे हैं ना। तो जिस दिन किसान इस देश में सत्ता मांगना शुरू करेगा कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे खैरात नहीं चाहिए, मुझे अनुदान नहीं चाहिए, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली की कुर्सी चाहिए, लाल किला पे भाषण देना चाहिए मुझे, किसान जिस दिन ये बात कहेगा उस दिन कौन गोली चलाएगा उसके ऊपर। लेकिन आज गोली इसलिए चलानी पड़ रही है कि किसान को हम कह रहे हैं तो अनुदान ले ले, तो खाद ले ले, तो बिजली ले ले, और हमारे तमाम नेता और तमाम राजनीति पार्टियां आजादी के बाद से किसान तो यही कहती आई है। और गांधी कहते हैं कि किसान सत्ता का केंद्र बने, किसान सत्ता को नियंत्रित करे, सत्ता ना चलाए, सत्ता को नियंत्रण तो करे, क्योंकि बहुसंख्यक समाज है और जनतंत्र की सफलता उसी पर निर्भर है कि बहुसंख्यक समाज चाहे सत्ता में ना जाए लेकिन सत्ता को नियंत्रण करना सीख जाए। और इसके लिए अड़ोसी किसान यूनियन तमाम देश के किसान संगठनों को लेकर के कोशिश कर रही है, प्रक्रिया बना रही है, कोई बात नहीं आदमी कल से ही। और हमारी सोच यही है किसान सत्ता में ना जाए लेकिन सत्ता पर नियंत्रण करे, यही सबसे बड़ी चीज है ना, इसको कौन मानेगा अभी हमारी बात को।
जी, तो जैसा कि आपने देखा कि दशरथ कुमार का कहना है कि MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 गुना, 10 गुना या 20 गुना करने से कोई मतलब नहीं है, आप खरीद सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में लाल किले से किसान को भाषण देना पड़ेगा, तब दिल्ली भी उसकी होगी, मुंबई भी उसकी होगी और मंदसौर में उसके ऊपर गोलियां भी नहीं चलेगी, यानी कि किसान सत्ता का केंद्र बने। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आई वो ये है कि हमें ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर बनाना है। ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर बनाने से किसान बेहतर बनेंगे, क्योंकि सबसे अधिक किसान गांव में बसते हैं। जब ग्रामीण व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो सरकार भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग ही बनाएंगे। अभी सरकार 25% लोग बना रहे हैं, इसलिए किसान संकट में है। तो दशरथ कुमार जी इस चीज के भी अगेंस्ट हैं कि कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। कर्ज माफी होने से किसान कमजोर होता है, हमें किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। हम आपसे भी पूछते हैं कि क्या किसानों के लिए की जा रही कर्ज माफी सही है, कर्ज माफी या उन्हें सशक्त बनाना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकारें किसानों की कर्ज माफी करके सरकार बना लेती हैं वो कितना सही है। आपकी नजर में कर्ज माफी सही है या गलत है? धन्यवाद।